बाप के बच्चे भी आपस में मिल के रहेंगे, भाई के साथ विपत्ति बांटी। रघुनाथ जी बोले 14 वर्ष में वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अयोध्या रहेंगे। भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे भैया हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं। राम जी बोले अभी नहीं, 14 वर्ष बाद। अत्रि मुनि जहां बोले वहां सुरक्षित रहे। चित्रकूट से जब आप बाद आ जाएंगे तो रास्ते में कुआं पड़ता है, अत्रि मुनि उसी कुएं में ले जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री सुरक्षित कराएं। और बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कुप पड़ेगा, और जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाए। 5 दिन चित्रकूट का दर्शन करके 6वें दिन अंतिम और 5वें बैठकी भई है। भरत जी ने रघुनाथ जी से विदा मांगा है, प्रभु अब मुझे आप जाने के लिए कह दीजिए। अब गोसाई मोहि देहु रह जाए, सेवौ अवध अवधि भरि जाए, जिससे मैं 14 वर्ष तक जाकर अयोध्या की सेवा कर सकूं। राम जी ने उठकर भरत जी को हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से भगवान ने समझाया है। भरत जी सुन तो रहे लेकिन उनको हृदय को शांति नहीं है, क्यों चिन्ह चाहते हैं भरत जी को देने के लिए। यहाँ राम जी का एक नवीन अवतार हुआ और उस अवतार का नाम है पादुका अवतार। भगवान पादुका पहन के नहीं गए थे अयोध्या से, पता नहीं कहाँ भाग गए अपने।